नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा, एआरवी एस्थेटिक्स गुड़गांव से। मोल या तिल को हटाने के बारे में बहुत सी क्वेरीज आती हैं और अक्सर जो पहला प्रश्न होता है कि इसके निशान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। देखिए, मोल को पहले समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन होता है पिगमेंट सेल्स का, वो स्किन में कितना डीप गया है उस पर तय होता है। अगर बहुत सुपरफिशियल है तो हम उसको शेव एक्सीजन से पतली पतली लेयर्स में लाके और स्किन की लेयर तक लाके उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसे केसेस में स्कार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर मोल डीप है या उसके सेंटर में, कई बार आपने देखा होगा कि मोल के बीच में बाल होते हैं, उन बालों के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में पिगमेंट सेल्स चले जाते हैं। ऐसे केसेस में जब तक हम डीप नहीं जाएंगे तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते। ऐसे स्थिति के अंदर सबसे कम स्कार लाने के लिए हम उसमें पंच बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं और पूरी डेप्थ से इंक्लूडिंग हेयर रूट उसको बाहर निकाल लेते हैं। हल्का सा डिम्पलिंग जैसा स्कार आता है जो वक्त के साथ साथ भरता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर रिकरेंस होने के चांसेस या दोबारा आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और वो आपको बेहतर बताएंगे कि आपके केस में शेव ऑक्सीजन बेहतर रहेगा या पंच बायोप्सी बेहतर रहेगी या कोई और ऑप्शन निकाला जा सकता है। ये जो प्रश्न है कि उसके मोल रिमूवल के बाद स्कार आते हैं या नहीं आते, ये उसके साइज पे, उसकी सिचुएशन पे, किस एग्जैक्ट जगह पे है। हमारे फेस पे कुछ लाइंस होती हैं, वो लाइंस स्ट्रेचिंग लाइंस होती हैं, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सुपरफिशियल है, बहुत छोटा है और शेव एक्सीजन से करते हैं तो स्कार नहीं आता। अगर थोड़ा डीप है और हमें पंच बायोप्सी की आवश्यकता पड़ी है तो हल्का सा स्कार एक डिम्पलिंग की फॉर्म में, एक हल्का सा हाथ लगाएंगे तो फील करेंगे खड्डा सा फील हो रहा है, ऐसा एक स्कार हमेशा बनता है जो कभी कभी वक्त के साथ पूरी तरह भर जाता है और कभी थोड़ा सा रह भी जाता है।